सो हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको आपके फेसबुक के पिक्सल को दूसरे बिजनेस मैनेजर के साथ में शेयर करना है, जिससे आपका फेसबुक का जो पिक्सल डेटा होता है वो सेफ रहे। तो बेसिकली हम ये करते क्यों है, जैसे अभी मान के चलो आपके पास में अगर से एक बिजनेस मैनेजर है, उसमें एक एड अकाउंट है और उसमें एक पिक्सल है, लेट्स से उसमें दो एड अकाउंट है, ठीक है, और एक पिक्सल है, और अभी आप इनसे आपका एड्स रन कर रहे हो, और मान के चलो अगर से आपका एक एड अकाउंट बैन हो जाता है, तो ऑफकोर्स आप उसी बिजनेस मैनेजर के अंदर सेकंड एड अकाउंट पे वो पिक्सल कनेक्ट करके उससे एड्स लगा सकते हो। लेकिन अगर से आपका सेकंड एड अकाउंट भी बैन हो जाता है, तो फिर भाई उसमें जो पिक्सल होता है, उसमें जो पिक्सल का डेटा होता है, वो ऑफकोर्स उस पिक्सल में तो है, लेकिन आपके एड अकाउंट्स बैन होने की वजह से और वहां पे आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ अकाउंट अगर से बना नहीं सकते, तो उस वजह से कैसा होता है कि आपका पिक्सल पूरा वेस्ट चले जाता है। बट यार उसका जो डेटा है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। आप उस पिक्सल को दूसरे बिजनेस मैनेजर के साथ में शेयर कैसे कर सकते हो और कैसे दूसरे बिजनेस मैनेजर में शेयर करने के बाद उसको यूज कर सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके गाइस, सो अभी अगर से आपको पिक्सल शेयर करना है, तो पहले आपको आपके उस बीएम में आना पड़ेगा जिसमें आपका पिक्सल पड़ा हुआ है जो आपको शेयर करना है, ठीक है। तो लेट से मेरा ये बीएम नंबर वन है, बीएम नंबर वन में मेरे पास पिक्सल में मेरा यहाँ पर एक पिक्सल है जिसका कुछ मेरा स्टोर का नाम मैंने देकर रखा है, उसके आगे पिक्सल वन लिख के रखा है, ठीक है। तो मेरे इसमें बैनिंग का इश्यूज आ गया था, तो मुझे पिक्सल दूसरे बीएम में शेयर करना था, और वहां पे मेरा एक और एड अकाउंट है जिससे मैं एड्स लगाने वाला था, तो मैंने वो सेटअप कैसे किया मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो पिक्सल वन है जिसका 7816 स्टार्टिंग में आईडी है, मैंने हाइड करके रखी है इसमें से बहुत सी चीजें, ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके बाद मैंने असाइन पार्टनर्स पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक है, पिक्सल में आने वाले में, और मेक श्योर करना कि ये जिससे भी जिस भी प्रोफाइल से आप ये सब चीजें मैनेज कर रहे हो वो एडमिन प्रोफाइल हो, तभी ये हो सकेगा, ठीक है। सो असाइन पार्टनर्स पर आपको क्लिक करना है, असाइन पार्टनर्स पर क्लिक कर रहे हैं सामने आपके सामने कुछ ऐसा टैब खुलता है, टैब खुलने के बाद में यहाँ पर आपको उस आगे वाले बिजनेस मैनेजर का आईडी डालना है, बिजनेस मैनेजर आईडी, ठीक है, जिसको आपको एसेस देना है, ठीक है। जैसे आप वो बीएम आईडी उसका यहाँ पर डाल देते हो, उसके बाद में ये दोनों ऑप्शंस आपको ऑन कर देने हैं और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन खुलता है, उसमें से आपको ये तीनों बॉक्स स्टार्टिंग के क्लिक कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हो, तो यहाँ पर ऐसा कुछ आपको आ जाता है, और यहाँ पे सिर्फ आपको आई एसेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में डन, यहां पर आपको डन कर देना है। तो बेसिकली अभी जो दूसरा बिजनेस मैनेजर है उसको इसकी रिक्वेस्ट चली गई है, ठीक है। अभी ये मैं दूसरे बिजनेस मैनेजर में आ गया हूं, मतलब मेरा बीएम टू, यहां पर आप देख सकते हो अभी जब मैं मेरे बीएम टू के पिक्सल्स में जाऊंगा, तो यहां पर मुझे वो पिक्सल वन दिखता है जो मैंने इधर शेयर किया था, लेकिन अभी भी वो पिक्सल जो है पार्टनर्स में देख सकते हो, पार्टनर्स में जाना है, पार्टनर्स में आपको दिखेगा उसकी रिक्वेस्ट पेंडिंग है, तो मुझे उसके लिए पहले रिक्वेस्ट पेंडिंग के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा, मेरे सामने कुछ ऐसा टैब खुलेगा, ठीक है। ऐसा टैब खुलने के बाद में मुझे यहां पर सिर्फ वो एक एक्सेप्ट का बटन आएगा, उसको एक्सेप्ट कर लेना है, और उसके बाद में यहां पर डन कर लेना है। जैसे मैं डन कर लूंगा, तो आप देख सकते हो मेरे इस बीएम टू के अंदर यहां पर पिक्सल वन आ चुका है, जिसका आप देख सकते हो सेम 7816 हमारा आईडी है पिक्सल वन, ठीक है, ये दूसरे बीएम के अंदर आ चुका है। और इस टाइप से गाइस आपका जो आप ये होता है, मतलब आपका जो पिक्सल होता है, वो आप दूसरे बिजनेस मैनेजर के साथ में शेयर कर सकते हो। और फिर मैंने क्या किया, इस पिक्सल को यहाँ पे एड एसेट्स करके मेरे एड अकाउंट के साथ में कनेक्ट कर दिया, और फिर इस पिक्सल को मैंने ओपन इवेंट मैनेजर में जाके मेरा पिक्सल स्टोर के साथ में कनेक्ट कर दिया, और फिर मैंने इस सेकंड बीएम से सेकंड एड अकाउंट से मेरे फर्स्ट पिक्सल के साथ में जिसमें डेटा था उसकी हेल्प से एड्स लगाई। तो ऐसा गाइस आप आपका पिक्सल शेयर कर सकते हो और आपके एड्स को मैनेज कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर से आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना। बाकी अगर से आपको ई-कॉमर्स, ड्रॉपशिपिंग या फेसबुक एड्स के कंटेंट में इंटरेस्ट है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।